हर एक माताओं का मैं बेटा, हर एक बहनों का मैं भाई। लेकिन रात भर चलना क्या होता है, अपने परिवार के लिए जिंदगी भर चलना होगा तो मैं चलूंगा नहीं, दौड़ूंगा, जान देना होगा जान भी देना। जिस तरीके से पुलिस से कार्रवाई है, क्या कहेंगे, संतोषजनक नहीं मिल रहा परिजनों को? चार दिन में अगर कुछ आता है तो ठीक है, नहीं तो मैं इस मामले को बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के पास लेके जाऊंगा। बस यही कुछ गिनी चुनी छोटी छोटी बातें ही एक इंसान को स्टार से सुपरस्टार बनाती हैं। जी हाँ, जैसा कि आपको पता होगा कि पवन सिंह भले ही काराकाट से चुनाव हार चुके हैं, लेकिन पवन सिंह ने काराकाट की जनता से एक वादा किया था कि कभी भी काराकाट की जनता को जब मुसीबत आएगी तो अगर वो पवन सिंह को याद करेंगे तो पवन सिंह सबसे पहली लाइन में सबसे पहले नंबर पर खड़े नजर आएंगे। और कुछ ऐसा ही हुआ दोस्तों, चुनाव के मात्र कुछ दिन बाद ही बहन श्रेया के साथ काराकाट की जो रहने वाली थी उनके साथ क्या क्या हुआ इसके बारे में आप जान चुके हैं। बस उनको न्याय नहीं मिल रहा था, इसीलिए वहां की जनता ने पवन सिंह को याद किया और पवन भैया सबसे पहले वहां पे पहुंच चुके हैं। पवन भैया बकायदा श्रेया के घर गए और वहां पे उन्होंने कहा अगर इस मुद्दे में चार दिन के अंदर कोई रिजल्ट नहीं निकलता है तो वो खुद इस मुद्दे को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री तक जाएंगे। दोस्तों यही कुछ बातें होती हैं जो एक स्टार को सुपरस्टार बनाती हैं। वैसे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जिससे ज्यादा लोगों को श्रेया वाले मामले के बारे में पता चले और लोग आवाज उठा सकें।